वही इस्पात संयंत्र के कोक ओवन में हुए हादसे में अब तक पुलिस चार्जशीट दायर नहीं कर पाई है। घटना के तुरंत बाद बीएसपी के चार बड़े अफसरों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन सभी जमानत पर रिहा कर दिए गए हैं। हादसे में मारे गए 14 लोगों में से 13 कर्मचारी के परिवारों को नियुक्ति देकर बीएसपी प्रबंधन मना चुका है, लेकिन सुरक्षा के लाख दावों के बाद भी प्रबंधन जांच रिपोर्ट नहीं पेश कर पाया है। घटना के एक साल बाद भी बीएसपी की जांच पूरी नहीं हो पाई है। बीएसपी के पूर्व सीईओ से जहां दिल्ली से आई जांच टीम पूछताछ कर रही है, वहीं पुलिस की भूमिका में भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दुर्ग एसएसपी ने हादसे की फाइल फिर से तलब की है और बीएसपी प्रबंधन को नोटिस भेजने के निर्देश दिए हैं। खिलाफ जो बीएसपी प्रबंधन के थे उनकी अरेस्टिंग की गई है। यद्यपि जो चार्जशीट अभी नहीं पेश की गई है जैसा जानकारी ली है थाने से, और उसका कारण ये बताया गया कि बीएसपी की जो इंटरनल इंक्वायरी की रिपोर्ट है वो नहीं आई है। तो ये तथ्य मेरे संज्ञान में आया है। अभी हम बीएसपी प्रबंधन को यहाँ से पत्र भेजेंगे, जल्दी से जल्दी वो रिपोर्ट दें ताकि अग्रिम कार्रवाई की जा सके और इसमें लापरवाही नहीं बर्दाश्त करेंगे। छिंदवाड़ा कलेक्टर